चुनाव को लेकर कांग्रेस ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस ने सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के प्रभारी और सह प्रभारियों को नियुक्त कर दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ ने पूर्व मंत्रियों और पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने निकाय प्रभारियों से चर्चा कर स्थानीय परिस्थितियों का जायजा भी लिया। इसके अलावा कमलनाथ ने उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी नेताओं से चर्चा की है। पीसीसी चीफ ने प्रभारियों को निर्देश दिए हैं कि वे फरवरी के आखिरी सप्ताह तक अधिकांश उम्मीदवारों के नाम तय करें। भारत में 16 जनवरी को टीकाकरण की शुरुआत हुई थी। टीकाकरण में मध्यप्रदेश सबसे आगे है। मध्यप्रदेश में करीब 69% हेल्थ वर्कर्स को टीका लग चुका है, तो वहीं तेलंगाना और राजस्थान दूसरे और तीसरे स्थान पर है। दूसरी ओर दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब और महाराष्ट्र सबसे धीमी रफ्तार वाले राज्य बने हुए हैं। अभी तक सिर्फ 8 राज्य ऐसे हैं जहां आधे से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को टीके लगाए जा चुके हैं। दूसरी ओर 8 राज्य ऐसे भी हैं जहां अभी तक 20% हेल्थ वर्कर्स को भी टीके नहीं लग पाए। देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण की रफ्तार अब तक उम्मीद से आधी रही है। 31 जनवरी तक कुल 39% करीब 39% लाख हेल्थ वर्कर्स को टीके लग चुके हैं, यानी कि आंकड़ा अच्छा है, जो लक्ष्य के 42.7% के करीब है। दरअसल 31 जनवरी तक सभी 92 लाख हेल्थ वर्कर्स को, जबकि फरवरी के आखिर तक सभी 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका लगाने का एक लक्ष्य सरकार ने रखा है।